तो दोस्तों क्या हाल है, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, पांच नहीं, बारह का भरा नया फ़ोन के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से चार फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और कुछ फ़ोन लॉन्च होने का कगार में है, मतलब आने वाला हफ्ते में या फिर दो हफ्ते के अंदर जो है लॉन्च होने वाला है। जिनमें से एक फ़ोन बहुत ही सस्ता वाला 5G फ़ोन होने वाला है रियलमी की तरफ से, जो कि अंडर 7000, मतलब 7000 के अंदर आपको 5G फ़ोन रियलमी की तरफ से देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो है Q&A वीडियो आने वाला है, क्योंकि कल संडे है और आज का वीडियो में जो कॉमेंट वगैरह आएगा उसको मैं कलेक्ट करने वाला हूं और कल का वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो आपका मन में अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सबसे पहले फोन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है वीवो की तरफ से वीवो V21e 5G। ये फोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो फाइनली लॉन्च हो चुका है। फोन का प्राइस जो रखा है 24,990 रखा है, मतलब लगभग 25,000 के आसपास। और इस प्राइस रेंज में आपको मोबाइल में क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है, देखिए एमोलेड पैनल आपको मिलता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डायमेंसिटी 700 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बाकी रैम और इंटरनल स्टोरेज में कोई कमियां नहीं रखा है। यहां पर 4000mAh का बैटरी और इसमें आपको 44 का जो है फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट है। तो 25,000 के अंदर वीवो का इस नया फ़ोन में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलता है। मुझे तो प्राइस जो है थोड़ा सा ओवर लगा, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा इस मोबाइल का प्राइस, बाकी डिज़ाइन वगैरह तो सही लग रहा है। नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, रियलमी की तरफ से दो नया फोन लॉन्च हुआ है रिसेंटली, जो है रियलमी नार्जो 30 4G और रियलमी नार्जो 30 5G। यहाँ पर दोनों फोन का प्राइस में थोड़ा डिफरेंट है, 4G वाला वेरियंट यहाँ पर 12,999 में रखा है प्राइस, और जो 5G वाला वेरियंट है स्टार्टिंग वेरियंट उसका रखा है 15,999। यहाँ पर दोनों मोबाइल में जो है डिफरेंस जो है वो चिपसेट में आपको देखने को मिलता है और फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो 4G वाला है वो G95 मीडियाटेक का प्रोसेसर के साथ आया है, जो 5G वाला वेरियंट है वो डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ आया है। बाकी दोनों ही फोन में आपको FHD+ रेजोल्यूशन वाला 90Hz रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD पैनल आपको मिलता है, जो कि पंच होल के साथ है, और बाकी दोनों ही मोबाइल में आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है। दोनों ही मोबाइल में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर मिलता है, 16 यानी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों मोबाइल में दिया गया है, और इस जगह पे फास्ट चार्जिंग में डिफरेंस है, 30W का फास्ट चार्जिंग आपको 4G वाला वेरिएंट में देखने को मिलता है और 5G वाला वेरिएंट में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट है। तो ये सारे फीचर्स के साथ जो है 4G और 5G नार्जो 30 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस वगैरह मैंने आपको बताया, बाकी आप मुझे बताना भाई कमेंट बॉक्स में प्राइस आपको कैसा लगा फीचर्स के हिसाब से। नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, नेक्स्ट फोन जो है वो भी रियलमी की तरफ से है, बट ये सी सीरीज का फोन है, रियलमी C11 2021। रियलमी C11 जो है इससे पहले लॉन्च हो चुका है, ये 2021 वाला वर्जन है, जो कि ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। यहाँ पर मोबाइल का प्राइस जो रखा है 6,999 प्राइस रखा है, और इस प्राइस रेंज पे मोबाइल में क्या कुछ फीचर्स मिलता है, एक HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आपको मिलता है, यहाँ पर एक 1900 का प्रोसेसर दिया गया है, मोबाइल में आपको जो है 8MP का रियर कैमरा मिलता है, 5000mAh का बैटरी मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट और 10W का आपको चार्जर मिलता है। ये सारे फीचर्स आपको 7000 के अंदर देखने को मिलता है। बाकी आप मुझे बताना भाई प्राइस रेंज के हिसाब से मोबाइल आपको कैसा लगा। मुझे तो मोबाइल में प्रोसेसर में कमियां देखने को मिल रहा है, यहाँ पर G35 तो देना ही चाहिए था। और नेक्स्ट मोबाइल ब्रांड की बात करते हैं तो वो है नोकिया। इंडिया पे नोकिया जो है 5 नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिनमें से नाम वगैरह मैं पहले बता देता हूँ, नोकिया C20, नोकिया G10, नोकिया G20 और नोकिया X10 और X20। ये 5 नया फोन जो है इंडिया पे लॉन्च करेगा, और सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर फोन जो है आपको एंट्री लेवल में, मतलब 10,000 के आसपास प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा इंडियन मोबाइल मार्केट में। बाकी फीचर्स वगैरह क्या होगा, लुक और डिज़ाइन कैसा होगा, इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, बट आने वाला एक दो हफ्ते में ये सारे फोन जो है इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। देखते हैं किस प्राइस रेंज में नोकिया लॉन्च करता है फोन को। मुझे तो लगता है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, क्योंकि नोकिया जो है हमेशा प्राइस में पीछे रह जाता है। और नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं तो भाई वो है माइक्रोमैक्स। काफ़ी कमेंट आ रहा था मेरे पास, माइक्रोमैक्स नया फ़ोन कब लॉन्च कर रहा है, तो माइक्रोमैक्स दो नया फ़ोन को इंडियन मोबाइल मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिनमें से माइक्रोमैक्स का IN2B और IN2C ये दो फ़ोन आने वाला है। ग्रीक बीन साइड में लिस्टिंग कर दिया गया है दोनों ही फ़ोन को, तो आने वाला एक दो हफ्ते में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। बाकी फीचर्स वगैरह क्या होगा तो ज़्यादा निकल के नहीं आए हैं। यहाँ पर 1900 का प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, बाकी मोबाइल में आपको 4GB का अप टू 4GB का रैम आपको मिल जाएगा, और आउट ऑफ द बॉक्स Android 11, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड आपको 11 वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। बाकी लुक और डिजाइन कैसा होगा ये अभी तक निकल के नहीं आया है। अभी यही कंफर्म हुआ है कि दो फोन इंडिया पे माइक्रोमैक्स जो है
एंट्री लेवल में, मतलब 7-8 हज़ार के आसपास जो है लॉन्च करने वाला है। और नेक्स्ट मोबाइल ब्रांड की बात करते हैं तो वो है रियलमी। देखिए रियलमी सबसे सस्ता 5G फोन लॉन्च करने वाला है। रियलमी का CEO मिस्टर माधव सेठ, उसने ऑफिशियली बताया है कि हम लोग एक फ़ोन में काम कर रहे हैं जिसका प्राइस 7 हज़ार के आसपास होने वाला है, 7 हज़ार के अंदर ही हो सकता है, जिसमें आपको 5G देखने को मिलेगा। तो ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है, मतलब आने वाला 1-2 हफ्ते के अंदर यानी 1 महीने के अंदर जो है ये वाला फ़ोन रियलमी की तरफ से 5G के साथ आपको 7 हज़ार के अंदर इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, जो लोग अंडर 7000 के आसपास जो है 5G फ़ोन ढूंढ रहे थे उसके लिए ये गुड न्यूज़ है। बाकी फ़ोन में क्या कुछ प्रोसेसर देखने को मिलेगा ये अभी ऑफिशियली तो कन्फर्म नहीं हुआ है, बट मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि इस फ़ोन में शायद आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ये मैं अपना अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी लुक और डिज़ाइन कैसा होगा ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, बहुत जल्द कन्फर्म कर दिया जाएगा और मैं आपको जो है अपडेट देता रहूँगा। तो ये था 12 फ़ोन जो कि आने वाला हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। कुछ फ़ोन लॉन्च हो चुका है जिनमें से कुछ फ़ोन सस्ता वाला 5G फ़ोन है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो ये सारे फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर लगा ये वाला पिन कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मस्ट करना। चलिए मिलते हैं और कोई ना इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।